क्या मोदी की लोकप्रियता में एक वर्ष में कमी आई है? इस सवाल का जवाब ना तो पहले आसान था और ना आज आसान है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या चुनाव जीतना ही लोकप्रियता का पैमाना है या जनता से किए हुए वादे पूरे करना। क्या मोदी इन दोनों पैमानों पर खरे उतरे हैं? जवाब होगा कि मोदी जीत भी रहे हैं और चुनाव हार भी रहे हैं। पिछले एक साल में मोदी ने कुछ बार चुनाव जीते हैं तो कुछ हारे भी हैं। इन दिनों एक दूर जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो है कांग्रेस खुद चुनाव जीत रही है, वहीं मोदी राज्यों के चुनाव जीत रहे हैं। गुजरात बचाने के साथ साथ मोदी ने हिमाचल भी कांग्रेस के हाथ से छीन लिया। हिमाचल के बाद मोदी ने बीजेपी को त्रिपुरा जबरदस्त तरीके से जितवाया। बीजेपी गठबंधन की मेघालय और त्रिपुरा में भी सरकार बन गई। लेकिन इस बीच बीजेपी ने क्या हारा इसका हिसाब भी लगा लेते हैं। पंजाब में पिछले साल हुए गुरदासपुर उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी विनोद खन्ना की सीट नहीं बचा पाई। इसके अलावा अलवर में बीजेपी को करारी हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बुरी हार तो तब मिली गोरखपुर में, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट थी जहां से वह 5 बार सांसद रहे थे। फूलपुर की हार भी सामान्य नहीं थी, जहां से उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य सांसद थे। बीजेपी इन दोनों सीटों को अगर बचा लेती तो मोदी के नेतृत्व और उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठाना नहीं था। लेकिन इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत ने विपक्ष में जान फूंक दी। इस हार के बाद एनडीए गठबंधन के खिलाफ देश भर में माहौल बनना शुरू हो गया। विपक्ष में यह संदेश गया कि मोदी को हराया जा सकता है। 2018 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी ने अपने बूते पर बीजेपी को सीटें दिलवाई, 282 बहुमत से 10 ज्यादा। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ था 166 सीटों का। साथ ही एनडीए गठबंधन का सीटों का आंकड़ा बढ़कर हो गया था 336। यह भी अपने आप में गजब की उपलब्धि थी। अब आते हैं कि वाकई मोदी अब भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने 2014 में थे। जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। मोदी का सबसे बड़ा वादा था विदेशों में काला धन लाने का, जिससे बीजेपी अध्यक्ष ने जुमला करार दिया। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर मोदी सरकार की झोली खाली है। अगर पकौड़ा देशों में रोजगार है तो IIT और प्रबंधन संस्था खोलने की जरूरत ही क्या थी 2019 में पहले। अब मैदान काफी खुला हुआ है, अभी चुनाव में 1 साल बाकी है। विपक्ष के चौतरफा हमले का जवाब पिछली सरकारों का हमला करके नहीं दिया जा सकता। मोदी को याद रखना होगा कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं। जवाब देने की बारी इस बार उनकी है, कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस समेत विपक्ष में एक नई ऊर्जा आ गई है। अब नरेंद्र मोदी के पास उन नीतियों पर दोबारा अमल करने का वक्त भी नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2019 चुनाव के अंदर मोदी क्या रणनीति अपनाते हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जनपद एक्सप्रेस, क्योंकि यही मिलती है आपको देश दुनिया की खबर सबसे पहले।